अक्षय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आईटी से जुड़ी सभी लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में जो आपको लैपटॉप दिखाई दे रहा है ये लैपटॉप है हमारा लिनोवो का आइडियापैड फ्लेक्स 5। आप देख सकते हैं, मॉडल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। आपको ये टच के साथ में मिलता है, आपको साथ में टच पेन मिलता है और ये 360 रोटेट हो सकता है। बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, लेकिन आज हम इसके फीचर के बारे में बात करने नहीं आए। आज हम बात करने वाले इसकी दो प्रॉब्लम के बारे में। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये कि जैसे हम इस लैपटॉप की स्क्रीन को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो ओपन करते हम ये देखेंगे कि ये लैपटॉप क्या हो जाता है, सेल्फ ऑन हो जाता है। देख सकते हैं आप, इसको ओपन करके दिखाता हूं आपको कि मैंने ओपन किया और देखिए ये लैपटॉप क्या हो गया, सेल्फ ही ऑन हो गया। हमें पावर बटन प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए लैपटॉप में ये फीचर्स आता है तो। लेकिन बहुत टाइम क्या होता है कि यूजर्स बहुत ज्यादा इससे इरिटेट हो जाते हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि ये सेल्फ ऑन हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि इसको डिसेबल कैसे करना है ताकि जब भी हम इस स्क्रीन को ओपन करें तो वो सेल्फ ऑन ना हो। सेकेंड, इसका बायोस कैसे ओपन करना है हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो पहले इस लैपटॉप को पूरा शटडाउन होने देते हैं, जैसा कि शटडाउन हो चुका है। बायोस ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, फंक्शन और F2 प्रेस करना है। आपको दिख रहा है, पहले दोनों को प्रेस करके रखें और फिर आपको पावर बटन क्या करना है, ऑन करने वाला प्रेस करना है। ठीक है, अब ये जैसे ऑन होगा तो आपको दिखेगा कि आपको बायोस का मेन्यू दिख जाएगा कि भाई बायोस कहां से आएगा। ये हमारा बायोस खुल गया, यहाँ पे आपको कॉन्फिगरेशन के अंदर जाना है और यहां आपको आपका ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे नीचे। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, फ्लिप टू बूट। इसको आपको देखा, आपको इनेबल दिख रहा है, इसको आपको क्या करना है, डिसेबल कर देना है ताकि जब आप इसको ऑन करेंगे तो सेल्फ ऑन नहीं होगा ये। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको डिसेबल कर दिया और फिर हम क्या करते हैं, इसको सेव करके बाहर निकल जाते हैं। तो एक बार इसको नॉर्मल स्टार्ट होने देते हैं एक बार, और उसके बाद इसको हम क्या कर लेंगे, शट डाउन कर लेंगे। तो वो चालू हो गया, इसको एक बार शट डाउन कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि ये सेल्फ ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको शट डाउन कर दिया, प्रॉपर शट डाउन होने देते हैं, शट डाउन में थोड़ा सा टाइम लेता है तो लेने देते हैं। और जब शट डाउन हो जाएगा तो इसकी स्क्रीन को हम ऑफ करके ये चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा ये सेल्फ ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी स्क्रीन हमने क्या कर दी, क्लोज कर दी और अब इसको क्या करते हैं, वापस से ओपन करके देखते हैं। तो देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई, रिजोल्व हो गई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग अक्षय एजुकेशन।